काला वाला रहता ना थोड़ा सा महंगा आता है। 1.5 किलो का पीस लिया। अगर ज्यादा करे तो पेड़ ही टूट जाएगा। तेल लाना भूल गए भाई अपन। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चल क्या रहा है, इसे उतार के देखते हैं। दोस्तों ये हमने ज्यादा बड़ा शुरू कर दिया है, ये हंडी ले रहे हैं। ये है सकरी मार्केट, और सकरी मार्केट में हंडी मिल जाता है आसानी से, तो अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। और हंडी का रेट पड़ा जो था 100 रुपये का था, जो काला वाला रहता है ना थोड़ा सा महंगा आता है, और जो नॉर्मल लाल कलर का होता है ना वो कम में आता है, लेकिन उससे बनता नहीं है। तो काला वाला अपन ढूंढ लिया, और उसके बाद जस्ट चले गए चिकन के लिए। तो चिकन हमने 1.5 किलो का पीस लिया, और उसको छोटे छोटे पीस में कट करा लिया, क्योंकि बड़े पीस रखने से ना वो क्या है हंडी में पकने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। और दूसरी चीज़ की इसका पूरा स्किन निकलवा दिए, क्योंकि स्किन थोड़ा सा क्या है हंडी चिकन में डायरेक्ट पकाते हैं, तो आपको प्रोसेस आके दिखाऊंगा कि कैसा पकता है। तो उसके लिए स्किन हम पूरे चिकन का निकलवा दिए थे, और यहाँ फटाफट कटाया। साथ में बाजू में कट रहा था कीमा, तो अपन को चिकन को पहले बढ़िया से हाँ साफ़ आप अच्छे से साफ करवा लिए थे, और ताकि वो वहाँ ले जाने के बाद सीधा बनाने के लिए प्रोसेस शुरू कर। जंगल पे आ गए, यहाँ बनाएंगे हम चिकन। तो देख सकते हैं ये जंगल काफ़ी अच्छा है, और दूर दूर तक लोग हैं, अच्छे से दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। और इस साइड पड़ता है पानी, डैम टाइप है, एक छोटा सा घर है। हम कहीं चूल्हा और चूल्हा बना के फिर चालू करते हैं बनाना चिकन। तो चलो हाँ आ जाओ, ढूंढते हैं कहीं पास चूल्हा, और आज भी हम बनाएंगे हंडी चिकन। तो हंडी चिकन, तो ये है लकड़ी, अब इसे मैं तोड़ता हूँ क्योंकि पेड़ सूखा हुआ है, अगर ज़्यादा करे तो पेड़ ही टूट जाएगा। जंगल में है, देख सकते हैं पूरा क्या है, लकड़ी तोड़ रहे हैं। लकड़ी तोड़ने के बाद धीरे धीरे इकट्ठा करके इसे अपन जा कर ये भी चलाएंगे और बनाएंगे चिकन। तो हंडी चिकन बनेगा, आते हैं हंडी चिकन जो कि बहुत यूनिक बनेगा। तो जंगल के बीच में हूँ, और लकड़ी अभी लकड़ी से बनाएंगे, लकड़ी ढूंढ रहे हैं, उसके बाद दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। तो चलिए अच्छे से धो लेंगे दोस्तों, इसके बाद इसी में बनने वाला है आज हमारा चिकन हंडी। अरे यार तेल लाना भूल गए भाई अपन, थोड़ा मंगना पड़ेगा उनसे, तेल लाना पड़ेगा, तेल लाना भूल गया अपन। ये है प्रॉपर तैयार हो चुका है हमारा हंडी, देख सकते हैं, और चूल्हा भी देख सकते हैं, चूल्हा बना चुके हैं अभी, और ये है पूरा रख चुके हैं, ये हंडी है हमारा। अब इसमें क्या करेंगे, चिकन को धो के तुरंत बनाएंगे, और ये लकड़ी भी ला के रख चुके हैं हम। तो यहाँ का मैं व्यू दिखाता हूँ, देख सकते हैं चारों तरफ बहुत अच्छा हरियाली है, बीच में है पानी का तालाब टाइप है छोटा सा, और हल्का सा पानी भरा हुआ उसमें, पोखर टाइप समझ सकते हैं। और चारों तरफ का जो व्यू है ना, मौसम देख सकते हैं, मौसम भी एकदम ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकता है। तो अपन जैसे कोशिश करेंगे कि बारिश होने से पहले जल्दी जल्दी बनाएं, और फिर जल्दी से यहाँ से निकलें, कि चारों तरफ बहुत घना जंगल है। इधर भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, और मौसम देख सकते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है, बादल बादल पूरा है, बदली छाए हुए, ऐसा लग रहा है तो पानी ना गिर जाए। और अपन क्या करेंगे, फटाफट बनाना शुरू करेंगे। और नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए। तो हंडी चिकन एक बार और बना चुके हैं, और सेकेंड बारी है, तो बना के दिखाता हूँ और कैसा लगता है, टेस्ट भी करके बताऊँगा मैं। तो इस जगह एक लोकेशन डाल दूंगा, ये जगह अभी अनटच जगह है, काफ़ी कम लोग यहाँ आए हुए हैं। और ये पड़ता है कानन पेंडारी के जस्ट पीछे, कानन पेंडारी सामने पड़ता है, ये आप जो जंगल देख रहे हैं ना, ये सब कानन पेंडारी के जंगल है, और पीछे में फॉरेस्ट का है, तो उसी में है पिकनिक मनाने। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फटाफट, लेट ना करते हुए, मिलते हैं वीडियो पर। प्याज मिर्च कट चुका है, और आगे आप इसको हांडी में डालेंगे। तो ये हमारा चिकन हो चुका है फाइनली, धुल चुका है, धुल के एकदम देख सकते हैं कलर एकदम साफ हो चुका है, और साथ में हमारा मसाला भी पूरा कट के रेडी है। अब क्या करेंगे, इसको जस्ट हंडी में डालेंगे, और उसके बाद फटाफट आपको मैं दिखाता हूँ प्रोसेस आगे क्या करेंगे। हंडी सबसे पहले हंडी में डाल देंगे तेल, तेल डाल चुका है हमने, अब उसके बाद करेंगे इसमें मसाले डाल देंगे। तो ये सारे सब्जी जो रखे ना, टमाटर है, धनिया है, और मिर्च प्याज सारे को ऐड कर देंगे इसमें। तो ये चिकन जो बनता है ना, वो क्या है, इसमें एक ही बार डालना पड़ता है मसाला, उसके बाद सारे चीज़ को ढक के पका देते हैं, और जितने भी खड़ी मसाले हैं ना, सारे आपस में मस्त पक के गल जाते हैं। तो लास्ट में मैं दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से पकता ही है। अब उसके बाद क्या करेंगे, मसाला डालेंगे। तो इसमें मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च, तो हल्का क्वांटिटी में रखेंगे मिर्च, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी डाले हैं। हल्का सा डालेंगे हल्दी पाउडर, और साथ में डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें, और साथ में डालेंगे चिकन मसाला। चिकन मसाला डालने के बाद डालेंगे इसमें थोड़ा नमक, तो नमक अपना स्वाद अनुसार आप डाल लीजिएगा। तो इसमें डालेंगे हम
एक चम्मच समथिंग नमक। अब डालेंगे इसमें चिकन, तो चिकन ले लेंगे, देखिए चिकन है फ्रेश, और इसमें डाल देंगे ये सारा चिकन, और चिकन डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपको दिखा सकता हूँ मैं, ये मिक्स होने के बाद ये अच्छे से मिक्स हो चुका, और ये मिक्स करने के बाद दिखा सकता हूँ कि इसका कलर देखें, जो कलर है ना वो काफ़ी अच्छा आ चुका है अभी से। अब ये क्या है, मसाले में कुछ टाइम रखेंगे ऐसे, तो ये मसाले में ही कुछ टाइम बाद ये पकना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद इसमें अब ढक्कन पैक करेंगे, उसके बाद हम आग में रखेंगे और आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। तो चलिए अब इसको ढक्कन से कवर करते हैं। तो फटाफट आग जला लेते हैं, आग जब जल्दी जलेगा तो उसके बाद इसमें हंडी रख देंगे। तो हंडी तो हम पूरा पैक कर लिए हैं, पूरा उसको कवर कर लिए हैं, क्योंकि उसको आटा में ढक्कन को जो अच्छे से कवर करना होता है। तो उसको आप क्या करेंगे, हंडी को चूल्हे में चढ़ा देंगे जो आग जला के रखे थे ना उसमें। तो फटाफट इसको रखते हैं उसमें। तो ये हंडी अब चढ़ा दी है अब चूल्हे पे, अब इसमें आग चलाते हैं और फटाफट इसको पकाते हैं। तो देखिए लकड़ी लगाते हैं इसमें ताकि जल्दी से आग जले और हमारे ये फटाफट बन के तैयार हो जाए। तो इसमें आग चारों तरफ से लगाएंगे, क्योंकि एक तरफ से ये तो जलना लेट हो जाएगा। आग जलना शुरू हो गया, अब जस्ट लगता है या आधा घंटा लगेगा, आधा घंटे में 30 मिनट्स में पक। तो आधा घंटा हो चुका, और जब पकता है ना तो ये आटे के साइड से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, मतलब उसका भाप जो होता है ना कुकर जैसे, तो साइड से समझ जाओ पक गया है। तो हम क्या करेंगे, फटाफट खोल लेंगे, तो एक चाकू की मदद से साइड साइड को आटे को बढ़िया से काट लेंगे, काट के देखते हैं कि अंदर में अभी हुआ क्या है, प्रोसेस चल क्या रहा है, उतार के देखते हैं। तो ये जस्ट देख सकते हैं गिरते गिरते बचा था, तो ये हमारा पक रहा है, और काफ़ी चिकन ने जो है ना पानी अच्छे से छोड़ा है, और ये पूरा थोड़े से पानी डाले थे, लेकिन चिकन का जो पानी है ना वो सारे पानी है। तो अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से पकने देंगे। फैट को निकाल के देखो यार, फैट तो नहीं पका होगा, वो नहीं पका होगा, हड्डी टाइप का ना पकड़ा। इसे चेक करने के लिए एक आध पीस निकाल रहे हैं इस पे, देखते हैं और निकाल लें। तो फाइनली ये बन के तैयार है, देखिए ग्रेवी जो है सूख चुका है और मसाले अच्छे से गल चुके हैं, प्याज वगैरह तो पूरा नमो निशान नहीं है उसमें से, पूरा अच्छे से गल चुका है, और पीस भी छोटे छोटे पीस कराए थे ना अच्छे से पक चुका है गल के। तो अब क्या करेंगे, इसे प्लेट में निकालेंगे, अब गर्मा गर्म टेस्ट करके आपको बताएंगे एक लक कैसी रही है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें और शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो ये हमारा चिकन बन चुका है और ये फाइनल पीस है, देखो टेस्ट करके दिखाता हूँ इसको मैं, कैसा लग रहा है। जो इसका टेस्ट है एकदम स्मोकी फ्लेवर है, क्योंकि हम आग में जलाए हैं, और जो धुआं का जो टेस्ट होता है स्मोकी एकदम करेक्ट लगा है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आ रहा है। तो इसको टेस्ट मैं करता हूँ, ग्रेवी नमक सब टेस्ट पीस देख सकते हैं, कलर भी देख सकते हैं, इसका एकदम प्योर टेस्ट है इसका। जो पका है उसका टेस्ट आप सुन सकते हैं, मैं खाक भी खा रहा हूँ, काफ़ी टेस्टी है। और चिकन बताऊँ मानोगे नहीं, बहुत टेस्टी है चिकन। तो एक बार ज़रूर ऐसा ट्राई करें, बना के देखें और कैसा लगता है टेस्ट मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मटकी का जो चिकन बनता है ना उसका टेस्ट ही गजब रहता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें, और इसे मैं फिनिश करता हूँ। नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं, चलो इसको फिनिश करता हूँ नए वीडियो पर।